हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग बना ली है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे केबल टावर को भी बना लिया है। एज वी नो 99% जो केबल टावर होते हैं वो बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने बिल्डिंग की हाइट छोटी रखी है और केबल टावर की हाइट ज्यादा रखी है। क्वेश्चन में कहा हुआ है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। हाउ मच? 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसी टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो हमें हमारे पास बन रहा है 45 डिग्री, तो मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यहाँ पे बना लिया। तो स्टूडेंट्स, हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट को फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं यहां से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। आई रिपीट द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है 7 मीटर बिल्डिंग। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ टावर इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें 45 डिग्री दिया है, देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, बी सी डी। फर्स्ट स्टेप होता है जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको लेट करना है, तो हमें टावर की हाइट को लेट करना है। सो लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, अगर मैं इस पॉइंट का नाम E मान लेता हूं, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज ई। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितना सी डी है उतना ही ए ई है, तो ए ई कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, क्योंकि हमारे पास बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर है, तो यहाँ से स्ट्रेट दो पैरल लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ पे ये भी कितना होगा 7 मीटर। अप टू हियर ओके। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए सी ई। स्टूडेंट्स, आपको दिख रही होगी ए सी ई ट्राइंगल में हमें ए ई मालूम है, तो हम अगर टैन लगा लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें ये बेस सी ई निकल जाएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ई एंगल ए सी ई इज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फिगर में हम ले लेते हैं टैन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ए सी ई। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा स्टूडेंट्स? ए ई, जो हमारे पास 7 मीटर है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 7 अपॉन बेस। इस ट्राइंगल का बेस कितना स्टूडेंट्स? सी से लेके ई तक, तो सी ई करते क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ई 1 टाइम्स, सी ई इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस आ गया वो भी आ गया 7 मीटर। अप टू हियर ओके। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ई सी बी। कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स? ई सी बी, इसमें हमें एंगल मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस भी हमने निकाल लिया, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बी ई मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास बी ई मिल जाएगा, हमारे पास ए ई है, इन दोनों का सम करेंगे, हमारे पास पूरा ए बी बी आ जाएगा। इट मीन हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ई सी बी। नाउ इन ट्राइंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी हमें दिया हुआ स्टूडेंट 60 डिग्री। अगेन यूज टैन 60 विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स रूट 3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ई सी बी। ई सी बी का परपेंडिकुलर कितना है? बी ई, और बेस हमने 7 अभी निकाला हुआ, तो बी ई अपॉन 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 7 × √3, 7 √3 इज इक्वल टू बी ई। ठीक है जी, तो हमने बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो निकाल लिया हमने, कितना? 7 √3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो हाइट ऑफ टावर को हम लिख देंगे ए प्लस ई बी। ए 7 है, ई बी 7 √3 है, दोनों का सम कर लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर
आ जाएगा। इसी को करते हैं आप फिर से, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, यहां लिख देता हूं मैं, therefore height of tower, height of tower which is AB, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, height of tower which is equal to A से लेके B तक किसके इक्वल है, AE plus BE, AE plus BE, AE हमारे पास 7 और plus B से लेके E तक अभी अभी हमने निकाला 7 root 3, ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 7 कॉमन ले सकते हैं, 7 ले लो कॉमन, अंतर आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 मीटर, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर आ गई है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपको दिख रही होगी, तो यहां से एक बार मैं रीड आउट कर लेता हूं, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 75 मीटर लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है, from the top of 75 meter high light house from the sea level, the angle of depression, students angle of depression, keep in mind angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. अब light house के top से angle of depression दो ships का, यहाँ पे मैंने दोनों ships already बनाई हुई है, दो ships का जो angle of depression है, एक है 30 degree और एक है 45 degree पे, तो angle of depression क्या होता है, angle between horizontal line and line of sight below the horizontal level. सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बना दिया, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो जो ऑब्जर्वर है लाइट हाउस के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप्स को, एक तो वो पहले वाली शिप को ऑब्जर्व कर रहा है इस तरह से, और दूसरी वाली शिप को ऑब्जर्व कर रहा है इस तरह से। अब क्वेश्चन में कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास 30 डिग्री, और ये जो पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ज्यादा होगा और वो 45 डिग्री है, और जो शिप लाइट हाउस से दूर है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आई रिपीट द क्वेश्चन, 75 मीटर हाई लाइट हाउस के टॉप से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है दो शिप्स को, एक शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और दूसरी शिप पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, सिंपल सी बात है, जो शिप पास होगी उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा बनाना पड़ेगा, जो चीज जितनी पास होगी उतना हमें हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन को ज्यादा फॉर्म करना पड़ेगा, तो हमें हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या है, कुछ और भी दिया हुआ है यहाँ पे, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, जो एक शिप है दूसरी शिप के पीछे दूसरी शिप है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के एक ही साइड पे दोनों शिप्स, तो हमने भी लाइट हाउस के दोनों को एक ही साइड पे बनाया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, कीप इन माइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें इन्हीं दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना है, इन दो शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो कुछ यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, बी इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी पॉइंट, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, सी डी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सी डी, जो चीज निकालनी है उसको लेट करना होता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट सी डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, अप टू हियर ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं एक्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आप सब ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा एक्स बी सी एंगल कितना 30 डिग्री, यहाँ पे जेड की फॉर्मेशन हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो यहाँ पे लाइन ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, अगर ये वाला एंगल कितना डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है ये पूरा, यहाँ पे जो जेड बन रहा है यहाँ पे इस तरह से, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ, बी एक्स इज पैरेलल टू ए सी, बी एक्स इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स बी सी एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, एक्स बी सी इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू एंगल A, C, B and both are equal to 30 degree. Okay students? Second, angle X, B, D now. X, B, D जो 45 degree दिया हुआ है, वो किसके equal होगा? A, D, B के.
नाउ एंगल एक्स बी डी इज इक्वल टू एंगल एक्स बी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ए डी बी एंगल ए डी बी एंड बोथ आर इज इक्वल टू 45 डिग्री. दोनों का रीजन स्टूडेंट्स मैं यहां पे लिख देता हूं. दोनों का रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है स्टूडेंट्स यहां तक चले. अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड हमें सीडी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, हमें ये चीज निकालनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे ए डी बी. हमें एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो बेस निकल जाएगा ए डी टैन लगा के, तो ले लेते हैं. सबसे पहले हम लेंगे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं. इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, टेल मी एंगल ए डी बी सो मच, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 45 डिग्री. नाउ टैन 45 इज परपेंडिकुलर अपॉन tan 45 degree is equal to perpendicular upon base. tan 45 की वैल्यू 1 is equal to perpendicular of triangle ADB. ADB का perpendicular हमें दिया 75 और base है AD. 75 upon AD. AD 1 times AD. AD is equal to 75 meter. Keep in mind. Distance between AD हमने निकाल लिया students, कितना आ गया 75 meter. लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है CD. Distance between two ships. ये भी निकाल लेंगे कोई बात नहीं. अब हम ले लेंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए सी डी. ये जो बड़ी बड़ी ट्रायंगल दिख रही है आपको ए सी डी, पेंडिकुलर मालूम है तो पूरा बेस निकल जाएगा. जब हमारे पास पूरा बेस निकल गया, पूरे बेस में से 75 को कर लेंगे माइनस तो आ जाएगा ना सी डी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. यस, तो करते स्टार्ट. नाउ इन ट्राइंगल आपको यहां फिगर दिख रही होगी, मैं ट्राइंगल ले लेता हूं. कौन सी वाली, ए सी बी. नाउ इन ट्राइंगल ACB, angle ACB is equal to 30 degree. Okay, students. Now use tan 30 degree, which is equal to perpendicular upon base. ठीक है students, tan 30 की value कितनी होती है 1 by root 3 is equal to perpendicular of triangle ACB. ACB का perpendicular कितना है 75 और base कितना है AC. तो यहाँ लिखता हूँ मैं 75 upon AC. आप बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, यहां देख लें 1 बाय रूट 3 कीप एज इट इज इक्वल टू 75. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, एसी 1 टाइम्स एसी इज इक्वल टू रूट 3 इनटू 75 रूट 3. अप टू हियर ओके स्टूडेंट्स. एसी स्टूडेंट्स, एसी की जगह क्या मैं एडी प्लस सीडी लिख सकता हूं. नाउ इंस्टेड ऑफ AC, I'm going to write AD plus CD is equal to 75 root. Okay, students. AD plus CD is AC. Okay. AD कितना है students हमारे पास? AD तो 75 हमने निकाला हुआ है. तो instead of AD मैं क्या put कर दूँगा? 75 plus CD is equal to 75 root 3. 75 को वहाँ लेके जाओ. CD is equal to 75 root 3. माइनस 75, प्लस का 75 एलएचएस में आरएस में लेके गए तो माइनस हो गया. अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा 75 हम यहां से कॉमन ले सकते हैं. सीडी इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 मीटर. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज हाउ मच, 75 इनटू रूट 3 माइनस 1 मीटर. तो क्वेश्चन नंबर 13 जो था वो भी आपका हो गया है खत्म. स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 14 को मैं स्किप कर रहा हूँ, उसकी फिगर बुक पे गिवन है तो इजीली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. कीप इन माइंड स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर. तो ये आपको स्टेट हाईवे दिख रही होगी, मैंने थोड़ी सी ऑलरेडी बनाई हुई है फिगर टाइम को बचाने के लिए. क्वेश्चन इज स्टेट हाईवे, ये स्टेट हाईवे है. क्वेश्चन इज स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. टावर के फुट के पास जा रही है एक स्टेट हाईवे. नेक्स्ट, मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. एक इंसान है
जो टॉवर के टॉप पे खड़ा हुआ है और वो कार को वॉच कर रहा है, और जो कार को जब उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट। ये उसकी है लाइन ऑफ साइट जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये उसका है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वी कैन से हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, ये हमें दिया हुआ कितना डिग्री? 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आई रिपीट द क्वेश्चन। एक स्ट्रेट हाईवे है विच लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर एंड द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो ऑब्जर्वर है टावर के फुट से ऑब्जर्व कर रहा है कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये जो कार है स्टूडेंट्स, ये कहाँ अप्रोच कर रही है? टावर के फुट की ओर जा रही है, मतलब आगे की ओर जा रही है ये कार। ठीक है स्टूडेंट्स, फुट ऑफ द विद यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फोन टू बी 60 डिग्री। ओके ओके ओके, 6 सेकंड के बाद स्टूडेंट्स, सपोज करें 6 सेकंड के बाद कार यहां पहुंच गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 सेकंड के बाद कार ने यहां पहुंच गई है, और 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है ये, और ये कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है स्टूडेंट? 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, ये सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो रहा है क्वेश्चन, वहां पे भी दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए थे। यहाँ पे दो शिप्स थी, यहाँ पे एक ही कार है। 6 सेकंड पहले वो कार यहाँ थी, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुंच गई। कीप इन माइंड, यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो उसको टाइम लगा, यहाँ पे टाइम की बात की है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस की बात नहीं की है, जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड। आई रिपीट क्वेश्चन, यहाँ से मैं फिर से रिपीट करता हूँ। विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फोन टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और 6 सेकंड पहले कितना बन रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन? 30 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सपोज करूं मैं टावर हूं, मैं कार को वॉच कर रहा हूँ विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जैसे जैसे वो कार मेरे पास आएगी, तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को इंक्रीज होना है, क्योंकि मैंने लाइन ऑफ साइट पहले यहाँ थी, अब लाइन ऑफ साइट ऐसा ऐसा पास आ रही है, पास आने से क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा। यही कहा हुआ है, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री। एंड क्वेश्चन इज, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स? टाइम का पूछा हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन ऑफ द कार, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक और पहुंचने के लिए, फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? आई होप यू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को जल्दी से अंडरस्टैंड कर रिपीट कर लेता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और हम इजिली वे में इसका आंसर को लिख पाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी, स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे थी, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर की फुट की ओर जा रही थी। अब टावर के टॉप के ऊपर एक ऑब्जर्वर था जो कार को ऑब्जर्व कर रहा था एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहा हुआ था 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड जो कार है वो टावर के फुट को अप्रोच कर रही है, टावर के फुट के पास जा रही है, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है, इस पॉइंट से टावर के फुट तक कितना टाइम लगने वाला है? आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेता हूँ, फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। इस पॉइंट का नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इस पॉइंट का नाम दे दें सी, इस पॉइंट का नाम दे दें डी। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी, हमें क्या निकालना है? डी से लेके ए तक का कितना टाइम लगा, डी से लेके ए तक कार को पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट का नाम एक्स दे देता हूं सेम पीछे वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहां देख लें आपको बी एक्स जो है ए सी के क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहां पे जेड बन रहा है, अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो यहां पे भी जेड बन रहा है इस तरह का जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 60 डिग्री है पूरा, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबसे पहली लाइन में यही लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहली लाइन ये लिखूंगा मैं, हियर एक्स बी इज पैरेलल टू, एक्स बी इज पैरेलल टू सी ए आर ए सी, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल एक्स बी सी, एंगल एक्स बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए सी बी के, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, एंगल ए सी बी के। और एंगल एक्स बी डी, एंगल एक्स बी डी इसके इक्वल हो जाएगा? एक्स बी डी इक्वल हो जाएगा ए डी बी के, एंगल ए डी बी के। दोनों का रीजन होगा स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपने लिख देना है रीजन।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया, इसको भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। पहले हम ट्रायंगल ले लेंगे ए डी बी, विच ट्रायंगल फ्रेंड्स, ए डी बी, यहाँ पे मैं लेने जा रहा हूँ इन ट्रायंगल ए डी बी। एंगल ए डी बी कितना दिया हमें, एंगल ए डी बी, ए डी बी इज ऑफ 60 डिग्री, कोई बात नहीं। नाउ टेन ले लें यहाँ पे, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी का परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है ए डी, ओके, ए बी बाय ए डी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। तो यहाँ से हम ए डी निकाल लेते हैं, तो ए बी निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए डी रूट थ्री, ए डी रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस क्वेश्चन को मान लो आप फर्स्ट, ओके ओके। ए डी को मैं यहाँ लेके गया, ए डी रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे, अब ट्राइंगल लेने जा रहे हैं हम ए सी बी, कीप इन माइंड ए सी बी। ठीक है, सॉरी फिगर को छोटी कर लेता हूं मैं, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए सी बी। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया इस केस में हमारे पास, 30 डिग्री, अगेन यूज टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ट्राइंगल ए सी बी। ए सी बी का परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है ए सी, सो ए बी बाय ए सी। कर लेते थोड़ा सा सॉल्व इसको, ए सी वन टाइम्स ए सी इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी, ए बी रूट थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ए बी की तो वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है, ए डी रूट थ्री। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, ए सी को कीप एज इट इज, इंस्टेड ऑफ ए बी में क्या लिख दूंगा, ए डी रूट थ्री। सो ए डी रूट थ्री, ये ए बी की जगह लिखा, अब रूट थ्री भी तो है, रूट थ्री यहाँ लिखूंगा बिकॉज ऑफ फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से स्टूडेंट्स फिगर में देखिए, मैंने क्या किया, ए बी की जगह क्या लिख दिया, ए डी रूट थ्री जो फर्स्ट इक्वेशन में था, ए बी की जगह ए डी रूट थ्री और इस रूट थ्री को कीप एज इट इज। ठीक है, अब ए सी फिगर में देखें, ए सी, ए सी की जगह स्टूडेंट्स मैं ए डी प्लस सी डी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ए सी की जगह क्या लिख दूंगा, इंस्टेड ऑफ ए सी, इंस्टेड ऑफ ए सी मैं लिखने जा रहा हूँ ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू रूट थ्री, रूट थ्री रूट नाइन, रूट नाइन इज थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री ए डी। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री रूट नाइन, रूट नाइन की वैल्यू कितनी होती है थ्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए डी को वहां लेके जाओ, सी डी इज इक्वल टू थ्री ए डी माइनस ए डी, प्लस का ए डी वहां पे हो गया माइनस, ओके ठीक है जी, चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम ए डी, थ्री ए डी माइनस वन ए डी इज टू ए डी, टू यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, पीछे आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सी डी बाय टू इज इक्वल टू ए डी, इसको आप अच्छे से ब्रैकेट में रख दें, ए डी जो है सी डी का हाफ है। फिगर में देख लेते हैं, फिगर को थोड़ा नीचे करके ले आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हमने क्या चीज फाइंड आउट की। वेट अ मिनट, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से, हमने क्या निकाला, ए डी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी का हाफ। सी डी का अगर हम क्या करेंगे, सी डी का हाफ करेंगे, सी डी का तो किसके इक्वल आएगा, वो ए डी आएगा, सी डी का हाफ। सी डी अगर सी डी 10 है तो ए डी कितना होगा, 5। यहां देखिए ध्यान से, सी डी का हाफ करेंगे तो ए डी आएगा, सी डी का हाफ, सी डी के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड, तो ए डी कितना होगा, ए डी के लिए कितना टाइम लगेगा, 6 सेकंड का आधा मतलब 3 सेकंड, इट मींस डी से लेके ई पॉइंट तक हमें जो टाइम लगने वाला है वो है 3 सेकंड। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, ए डी इज इक्वल टू सी डी का हाफ, जो ए डी है वो सी डी का आधा है, सी डी का आधा है, सी डी में कितना टाइम लग रहा है, सी से लेके डी तक 6 सेकंड, तो फिर ए से लेके डी तक, डी से लेके ए तक कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई रिपीट वन मोर टाइम, आई रिपीट, ए डी इज इक्वल टू सी डी का आधा, ए डी जो है वो सी डी का आधा है, सी डी में 6 सेकंड लगता है तो ए डी में कितना लगेगा, 3 सेकंड, क्योंकि ए डी जो है वो सी डी का हाफ है, ए डी इज इक्वल टू सी डी का हाफ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हियर, हियर, देयरफोर, देयरफोर,
AD is half of CD. AD is HALF, half of CD. जो AD है वो CD का क्या है, आधा है. And we know, हम जानते हैं time taken from, C to D, point C to D is 6 seconds. तो therefore time taken from D to A, D से लेके इतना कितना time लगेगा is 3 seconds. I hope you understand. जो AD है वो CD का आधा है. अगर C से लेके D तक 3 सेकंड लग रहे हैं तो D से लेके A तक कितने लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म हो गया है और इट मींस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर ली है 3 वीडियोस में. तो इन 3 वीडियोस को अच्छे से देखें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें. ऐसा नहीं कि पहले आप सभी क्वेश्चन देखें फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें. पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, वीडियो को पॉज कर दें, फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक ये क्वेश्चन अच्छे से याद रहे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सर्कल्स एंड देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. तो आपके एग्जाम से पहले पहले हम कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर्स खत्म करने की. तो टच में रहें ताकि आप सबके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएं बोर्ड के एग्जाम में. थैंक यू.